वुड कार्विंग वुडन क्रिकेट बैट। रामापुर नाम के गांव में कालिदास नाम का एक बूढ़ा रहता था। वो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचता और जो पैसे कमाता इससे अपनी बहू और पोते का पालन करता था। छोटू के बचपन में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया, तब कालिदास ने ही अपनी बहू और पोते का देखभाल करना शुरू किया। कालिदास दिन रात मेहनत करके लकड़ी के खिलौने बनाता और गली गली घूमकर उन्हें बेचता और जो पैसे कमाता वो फिर भी घर चलाने के लिए कम पड़ता था। लेकिन कालिदास ने सोचा वो अपने पोते को खूब पढ़ाएगा। वो चाहता था कि वो खूब मेहनत करे, लेकिन उसकी सेहत उसका साथ नहीं दे रही थी। छोटू अपने दादाजी की परेशानी समझता था, इसलिए वो खूब मेहनत करके पढ़ता था। छोटू हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। छोटू सिर्फ पढ़ाई में नहीं खेल कूद में भी बहुत होशियार था। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। जब और बच्चे क्रिकेट खेलते वो वहीं बैठकर बड़े ध्यान से उनको खेलते हुए देखता था। एक दिन जब क्रिकेट खेल रहे थे तब छोटू ने टिल्लू नाम के लड़के को आउट कर दिया। तब टिल्लू, ए छोटू तुमने मुझे आउट कर दिया, मैं जा रहा हूँ, कहकर अपना बैट लेकर जाने लगा। तब छोटू, ये क्या टिल्लू, खेल में आउट होना तो होता रहता है, अब इसमें नाराज होने की क्या बात है, वैसे भी बैट तुम्हारा है इसीलिए सब पहले तुम्हें बैटिंग करने के लिए दे देते हैं। अब तुम आउट हो गए तो कह रहे हो कि मैं बैट लेकर जाता हूँ। भाई तुम बैट लेकर चले जाओगे तो कैसे चलेगा, हम लोगों ने इतनी देर तक फील्डिंग की ना, हमें भी तो बैटिंग करने का मौका मिलना चाहिए। तब टिल्लू, इसीलिए कहा था कि मुझे आउट मत करो, अब कोई फायदा नहीं, मैं बैट लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारे जो जिमाए करना, अगर खेलने का इतना ही शौक है तो तुम खुद अपना नया बैट लेकर क्यों नहीं आते, तब देखते तुम कैसे खेलते हो। छोटू दुखी होकर घर के बाहर बैठा था, तभी कालिदास घर लौटा। कालिदास, भाई बात क्या है, मेरा पोता तो हमेशा खुशी से कूदता रहता है, यूं चुपचाप उदास क्यों बैठा है। तब छोटू ने मैदान में जो कुछ हुआ अपने दादाजी को सब कुछ बताया। ये सुनकर कालिदास, बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना दुखी क्यों होते हो बेटा। तब छोटू, दादाजी आप मेरे लिए बैट खरीद कर दोगे। तब कालिदास, अरे बेटा मैं तुम्हें बैट खरीद कर दूं, लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हारे दादाजी लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, अब उसी लकड़ी का हम तुम्हारे लिए बैट बना कर देंगे। तब छोटू, दादाजी बैट का मतलब ये नहीं कि जैसा मर्जी बना दो, वो एक प्रोफेशनल बैट की तरह होना चाहिए। तब कालिदास, अरे पोते तुम अपने दादाजी को ठीक से नहीं पहचानते, अगर मैंने एक बार देख लिया तो हूबहू वैसा ही बना देता हूँ। एक काम करो बेटा, तुम जिस क्रिकेट बैट के बारे में बात कर रहे हो वो क्रिकेट बैट का फोटो लेकर आओ, उसे देखकर मैं बैट बना कर दूंगा, एकदम वैसा ही बैट। इस तरह छोटू ने बड़े मेहनत से एक क्रिकेट बैट का फोटो लेकर आया और अपने दादाजी को दी। तब कालिदास जंगल गया और बढ़िया सा लकड़ी चुनकर उसे काटकर उसे घर ले आया, फिर उसे बड़े ध्यान से तराशने लगा। इस तरह बड़े मेहनत से कालिदास ने एक नया बैट बनाया। देखने में वो असली क्रिकेट बैट दिख रहा था। उसे देखकर छोटू बहुत खुश हुआ। वो बैट लेकर छोटू तुरंत ग्राउंड की ओर चला गया। छोटू के हाथ में बैट को देखकर टिल्लू दंग रह गया। तब छोटू अपने दादाजी के दिए हुए क्रिकेट बैट के साथ बड़े अच्छी तरह से बैटिंग करने लगा। छोटू के बैटिंग को देखकर टिल्लू का सर चकरा गया। मुझे भी छोटू के बैट से खेलना होगा, यूं सोचने लगा। उसने जाकर छोटू से उसका बैट मांगा। तब छोटू, देखो टिल्लू मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं सबको अपना दोस्त मानता हूँ, ये लो खेलो। टिल्लू को वो बैट इतना पसंद आया कि उसने उस बैट के बारे में अपने पिताजी से जाकर कहा। अगले दिन टिल्लू के पिताजी छोटू के घर आए और छोटू के दादाजी से, देखिए मेरा नाम धनंजय है, मेरे नाम में ही नहीं मेरे पास भी बहुत धन है, मेरा बेटा आपके पोते के बैट की बड़ी प्रशंसा कर रहा था तो मैंने सोचा मैं खुद ही आकर देख लूं, वैसे इस बैट को देखकर मुझे भी यकीन नहीं होता कि आपने हाथ से बनाया है। देखिए मैं सीधी सीधी बात करता हूं, मैं एक नया क्रिकेट बैट यूनिट शुरू करना चाहता हूं, आप वहां के कारीगरों को बस कैसे काम करना है सिखाइए, काफी है, आपको महीने का 50,000 रुपए तनख्वाह मिलेगा। ये सुनकर कालिदास बहुत खुश हुआ। छोटू ने भी बैट बनाना सीखा। दादाजी की नौकरी के बारे में सुनकर परिवार खुश हुआ।